यथार्थ गीता अथ द्वितीय अध्याय कर्म जिज्ञासा अध्याय। प्रथम अध्याय गीता की प्रवेशिका है, जिसमें आरंभ में पथिक को प्रतीत होने वाली उलझनों का चित्रण है। लड़ने वाले संपूर्ण कौरव और पांडव हैं, किंतु संशय का पात्र मात्र अर्जुन है। अनुराग ही अर्जुन है, इष्ट के अनुरूप राग ही पथिक को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। अनुराग आरंभिक स्तर है। पूज्य महाराज जी कहते थे, सदगृहस्थ आश्रम में रहते हुए ग्लानि होने लगे, अश्रुपात होता हो, कंठ अवरुद्ध होता हो, तो समझना कि यही से भजन आरंभ हो गया। अनुराग में यह सब कुछ आ जाता है, उसमें धर्म नियम सत्संग भाव सभी विद्यमान होंगे। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। पहले मनुष्य चाहता है कि वह उस परम सत्य को प्राप्त कर ले, किंतु आगे बढ़ने पर वह देखता है कि मधुर संबंधों का उच्छेद करना होगा, तब हताश हो जाता है। वह पहले से जो कुछ धर्म कर्म मानकर करता था, उतने में ही संतोष करने लगता है। अपने मोह की पुष्टि के लिए वह प्रचलित रूढ़ियों का प्रमाण भी प्रस्तुत करता है, जैसे अर्जुन ने किया कि कुल धर्म सनातन है। युद्ध से सनातन धर्म का लोप होगा, कुल क्षय होगा, स्वैराचार फैलेगा। यह अर्जुन का उत्तर नहीं था, बल्कि सदगुरु के सानिध्य से पूर्व अपनाई गई एक कुरीति मात्र थी। इन्हीं कुरीतियों में फंसकर मनुष्य पृथक पृथक धर्म, अनेक संप्रदाय, छोटे बड़े गुट और असंख्य जातियों की रचना कर लेता है। कोई नाक दबाता है तो कोई कान फाड़ता है, किसी के छूने से धर्म नष्ट होता है तो कहीं रोटी पानी से धर्म नष्ट होता है। क्या अछूत या छूने वालों का दोष है? कदापि नहीं। दोष हमारे भ्रमदाताओं का है। धर्म के नाम पर हम कुरीति के शिकार हैं, इसलिए दोष हमारा है। महात्मा बुद्ध के समय में केश कंबल एक संप्रदाय था, जिसमें केश को बढ़ाकर कंबल की तरह प्रयोग करने को पूर्णता का मानदंड माना जाता था। कोई गोव्रतिक गाय की भांति रहने वाला था तो कोई कुक्कुर व्रतिक कुत्ते की तरह खाने पीने रहने वाला था। ब्रह्म विद्या का इनसे कोई संबंध नहीं है। संप्रदाय और कुरीतियां पहले भी थीं, आज भी हैं। ठीक इसी प्रकार कृष्ण काल में भी संप्रदाय थे, कुरीतियां थी। उनमें से एकाध कुरीति का शिकार अर्जुन भी था। उसने चार तर्क प्रस्तुत किए। ऐसे युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, वर्ण संकर पैदा होगा, पिंडोदक क्रिया लुप्त होगी और हमारा कुल क्षय द्वारा महान पाप करने को उद्यत हुए हैं। संजय बोले, करुणा से व्याप्त अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले उस अर्जुन के प्रति मधुसूदन मद का विनाश करने वाले भगवान ने यह वचन कहा, अर्जुन इस विषम स्थल में तुझे यह अज्ञान कहां से हो गया? विषम स्थल अर्थात जिसकी समता का सृष्टि में कोई स्थल है ही नहीं, पारलौकिक है लक्ष्य जिसका, ऐसे निर्वात स्थल पर तुझे अज्ञान कहां से हुआ? अज्ञान क्यों? अर्जुन तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। क्या सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्राणपण से तत्पर होना अज्ञान है? श्रीकृष्ण कहते हैं, हाँ यह अज्ञान है। न तो संभावित पुरुषों द्वारा इसका आचरण किया गया है, न यह स्वर्ग देने वाला है और न यह कीर्ति को ही करने वाला है। सन्मार्ग पर जो दृढ़ता पूर्वक आरूढ़ है उसे आर्य कहते हैं। गीता आर्य संहिता है। परिवार के लिए मरना मिटना यदि अज्ञान ना होता तो महापुरुष उस पर अवश्य चले होते। यदि कुल धर्म ही सत्य होता तो स्वर्ग और कल्याण की निःश्रेणी अवश्य बनती। यह कीर्तिदायक भी नहीं है। मीरा भजन करने लगी तो लोग कहे मीरा भाई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। जिस परिवार कुल और मर्यादा के लिए मीरा की सास बिलख रही थी, आज उस कुलवंती सास को कोई नहीं जानता, मीरा को विश्व जानता है। ठीक इसी प्रकार परिवार के लिए जो परेशान है उनकी भी कीर्ति कब तक रहेगी? जिसमें कीर्ति नहीं, कल्याण नहीं, शिष्ट पुरुषों ने भूल कर भी जिसका आचरण नहीं किया तो सिद्ध है कि वह अज्ञान है। अतः अर्जुन नपुंसकता को मत प्राप्त हो। क्लैव्यम मास्म गमः पार्थ न तत्तव्य यूप पद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त परंतपः। क्या आप पुरुष हैं? नपुंसक वह है जो पौरुष से हीन है, सब अपनी समझ से पुरुषार्थ ही तो करते हैं।
किसान रात दिन खून पसीना एक करके खेत में पुरुषार्थ ही तो करता है। कोई व्यापार में पुरुषार्थ समझता है तो कोई पद का दुरुपयोग करके पुरुषार्थ ही बनता है। जीवन भर पुरुषार्थ करने पर भी खाली हाथ जाना पड़ता है। स्पष्ट है कि यह पुरुषार्थ नहीं है, शुद्ध पुरुषार्थ है आत्मदर्शन। गार्गी ने याज्ञवल्क से कहा, वह पुरुष होते हुए भी नपुंसक है जो हृदयस्थ आत्मा को नहीं पहचानता। वह आत्मा ही पुरुष स्वरूप स्वयं प्रकाश उत्तम आनंद युक्त और अव्यक्त है, उसे पाने का प्रयास ही पौरुष है। अर्जुन, तू नपुंसकता को ना प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। आसक्ति का त्याग करो, यह हृदय की दुर्बलता मात्र है। इस पर अर्जुन ने तीसरा प्रश्न प्रस्तुत किया। अर्जुन उवाच, अहंकार का शमन करने वाले मधुसूदन, मैं रणभूमि में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण से किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि हरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। द्वैत ही द्रोण है, प्रभु अलग है, हम अलग हैं। द्वैत का यह भान ही प्राप्ति की प्रेरणा का आरंभिक स्रोत है, यही द्रोणाचार्य का गुरुत्व है। भ्रम ही भीष्म है, जब तक भ्रम है तभी तक बच्चे परिवार रिश्तेदार सभी अपने लगते हैं। अपना लगने में भ्रम ही माध्यम है। आत्मा इन्हीं को पूज्य मानकर इनके साथ रहता है, यह पिता है दादा है कुलगुरु है इत्यादि। साधन के पूर्ति काल में गुरु न चेला पुरुष अकेला। जब चित्त उस परम आनंद में विलीन हो जाता है तब न गुरु ज्ञान दाता और न शिष्य ग्रहण करता ही रह जाता है, यही परम की स्थिति है। गुरु का गुरुत्व प्राप्त कर लेने पर गुरुत्व एक जैसा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू मुझ में निवास करेगा, जैसे श्री कृष्ण वैसा ही अर्जुन, और ठीक वैसे ही प्राप्ति वाला महापुरुष हो जाता है। ऐसी अवस्था में गुरु का भी विलय हो जाता है, गुरुत्व हृदय में प्रवाहित हो जाता है। अर्जुन गुरुपद की ढाल बनाकर इस संघर्ष में प्रवृत्त होने से कतराना चाहता है। वह कहता है, इन महानुभावों गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी श्रेष्ठ समझता हूं। यहां भिक्षा का अर्थ उधर पोषण के लिए भीख मांगना नहीं, बल्कि सत्पुरुषों की टूटी फूटी सेवा द्वारा उनसे कल्याण की याचना ही भिक्षा है। अन्न एकमात्र परमात्मा है जिसे प्राप्त करके आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाता है, कभी अतृप्त नहीं होता। हम महापुरुषों की सेवा और याचना द्वारा शनह शनह ब्रह्म पीयूष प्राप्त करें, किंतु यह परिवार न छूटे, यही अर्जुन के भिक्षान की कामना है। संसार में अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं, वे चाहते हैं कि पारिवारिक स्नेह संबंध न मारना पड़े और मुक्ति भी शनह शनह मिल जाए, किंतु चलने वाले पथिक के लिए जिसके संस्कार इनसे ऊपर है, जिनमें संघर्ष की क्षमता है, स्वभाव में क्षत्रियत्व प्रवाहित है, उसके लिए इस भिक्षान्न का विधान नहीं है। स्वयं न करके याचना करना भिक्षान्न है। गौतम बुद्ध ने भी मध्यम निकाय के धम्मपद सूत्र में इस भिक्षान्न को आमिस दायाद कहकर हे माना है, जबकि शरीर यापन से सभी भिक्षु थे। इन गुरुजनों को मारकर मिलेगा क्या? इस लोक में रुधिर से सने अर्थ और काम के भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। अर्जुन कदापि सोचता था कि भजन से भौतिक सुखों की मात्रा में अभिवृद्धि होगी। इतना संघर्ष झेलने के बाद भी शरीर के पोषक अर्थ और काम के भोग ही तो मिलेंगे। वह पुनः तर्क देता है, यह भी निश्चित नहीं कि वह भोग मिलेगा ही। यह भी हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेयस्कर है, क्योंकि जो कुछ हमने कहा वह ज्ञान प्रमाणित हो गया। यह भी ज्ञात नहीं है कि हम जीतेंगे अथवा वे ही जीतेंगे। जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। जब ज्ञान रूपी धृतराष्ट्र अर्जुन से उत्पन्न मोह इत्यादि स्वजन समुदाय मिट ही जाएंगे, तब हम जी कर ही क्या करेंगे। अर्जुन पुनः सोचता है कि जो कुछ हमने कहा कदाचित यह भी अज्ञान हो, अतः प्रार्थना करता है। कायरता के दोष से नष्ट स्वभाव वाला, धर्म के विषय में सर्वथा मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं, जो कुछ निश्चित हो परम कल्याणकारी हो वह साधन मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, मुझे साधिए। केवल शिक्षा ना दीजिए, बल्कि जहां जहां लड़खड़ाऊं वहां संभालिए। लाद दे लदाए दे और लदाने वाला साथ चले, कदाचित कट्ठर गिर पड़ा तब कौन लदवाएगा। ऐसा ही समर्पण अर्जुन का है। यहां अर्जुन ने पूर्ण समर्पण कर दिया।
अभी तक वो श्री कृष्ण को अपने स्तर का ही समझता था, अनेक विद्याओं में अपने को कुछ आगे ही मानता था। यहां उसने अपनी बागडोर श्री कृष्ण को वस्तुतः सौंप दी। सदगुरु पूर्ति पर्यंत हृदय में रहकर साधक के साथ चलते हैं, यदि वे साथ ना रहे तो साधक पार ना हो। युवा कन्या के परिवार वाले जिस प्रकार शादी विवाह तक उसको संयम की शिक्षा देते हुए संभाल ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार सदगुरु अपने शिष्य की अंतरात्मा से रथी होकर उसे प्रकृति की घाटियों से निकाल कर पार कर देते हैं। अर्जुन निवेदन करता है कि हे भगवान, एक बात और है। भूमि पर निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पन इंद्रपद को पाकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। जब शोक बना ही है तो यह सब लेकर ही मैं क्या करूंगा। यदि इतना ही मिलना है तो क्षमा करे, अर्जुन ने सोचा, अब इसके आगे बताएंगे भी क्या। संजय वाच। संजय ने कहा, हे राजन, मोह निशाजी अर्जुन ने हृदय के सर्वज्ञ श्री कृष्ण से यह कहकर कि गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा चुप हो गया। अभी तक अर्जुन की दृष्टि पौराणिक है, इसमें कर्मकांडों के साथ भोगों की यह उपलब्धि का विधान है जिसमें स्वर्ग ही सब कुछ माना जाता है, जिस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालेंगे कि यह विचारधारा भी गलत है। उसके उपरांत हे राजन, अंतर्यामी योगेश्वर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन कहा, अर्जुन तू शोक न करके योग शोक तू न शोक करने के योग्य के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन कहता है, किंतु बुद्धि संपन्न पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए तथा जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, क्योंकि वे भी मर जाएंगे। तो पंडितों जैसी बातें करता है, वस्तुतः ज्ञाता है नहीं, क्योंकि न तो ऐसा ही है कि मैं अर्थात सदगुरु किसी काल में नहीं था, अथवा तू अनुरागी अधिकारी अथवा राजा लोग अर्थात राजसी वृत्ति में पाया जाने वाला अहम नहीं था, और न ऐसा ही है कि हम आगे नहीं रहेंगे। सदगुरु सदैव रहता है, अनुरागी सदैव रहते हैं। यहाँ योगेश्वर ने योग की अनादिता पर प्रकाश डालते हुए भविष्य में भी उसकी विद्यमानता पर बल दिया है। मरने वाले के लिए शोक न करने के लिए कारण बताते हुए उन्होंने कहा, जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार युवा और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य अन्य शरीरों की प्राप्ति में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। कभी आप बालक थे, शनह शनह युवा हुए, तब आप मर तो नहीं गए, पुनः वृद्ध हुए। पुरुष एक ही है, उसी प्रकार लेश मात्र दरार नए देह की प्राप्ति पर नहीं पड़ती। कलेवर का यह परिवर्तन तब तक चलेगा जब तक परिवर्तन से परे की वस्तु नहीं मिल जाती। हे कुंती पुत्र, सुख दुख सर्दी और गर्मी को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो अनित्य है, क्षणभंगुर है, अतः भरतवंशी अर्जुन तो इनका त्याग कर। अर्जुन इंद्रिय और विषय के संयोग जन सुखों का स्मरण करके ही विकल था। कुलधर्म कुलगुरुओं की पूज्यता इत्यादि इंद्रियों के लगाव के अंतर्गत है, ये क्षणिक हैं, झूठे हैं, नाशवान हैं। विषयों का संयोग न सदैव मिलेगा और न सदैव इंद्रियों में क्षमता ही रहेगी, अतः अर्जुन तू इनका त्याग कर, सहन कर। क्यों, क्या हिमालय की लड़ाई थी जो अर्जुन सर्दी सहन करता, अथवा क्या यह रेगिस्तान की लड़ाई है जो अर्जुन गर्मी सहन करे। कुरुक्षेत्र जैसा कि लोग बाहर बताते हैं समशीतोष्ण स्थली है, कुल 18 दिन तो लड़ाई हुई, इतने में कहां जड़ा गर्मी बीत गया। वस्तुतः सर्दी गर्मी दुख सुख मान अपमान को सहन करना एक योगी पर निर्भर करता है। यह हृदय देश की लड़ाई का चित्रण है, बाहर युद्ध के लिए गीता नहीं कहती। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है जिसमें आसुरी संपदा का सर्वथा शमन कर परमात्मा में स्थिति दिलाकर दैवी संपदा भी शांत हो जाती है। जब विकार है ही नहीं तो सजातीय प्रवृत्तियां किस पर आक्रमण करें, अतः पूर्णत्व की साथ वे भी शांत हो जाती है, इससे पहले नहीं। गीता अंतरदेश की लड़ाई का चित्रण है। इस त्याग से मिलेगा क्या, इससे लाभ क्या है, इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्यथित नहीं कर पाते वह मृत्यु से परे अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। यहां श्री कृष्ण ने एक उपलब्धि अमृत की चर्चा की। अर्जुन सोचता था कि युद्ध में परिणाम में स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि न स्वर्ग मिलेगा और न पृथ्वी बल्कि अमृत मिलेगा। अमृत क्या है,
अर्जुन, असत वस्तु का अस्तित्व तो नहीं है, वह है ही नहीं, उसे रोका नहीं जा सकता और सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। अर्जुन ने पूछा, क्या भगवान होने के नाते आप कहते हैं? श्री कृष्ण ने बताया, मैं तो कहता ही हूं, इन दोनों का यह अंतर हमारे साथ साथ तत्वदर्शियों द्वारा भी देखा गया है। श्री कृष्ण ने वही सत्य दोहराया जो तत्वदर्शियों ने कभी देख लिया था। श्री कृष्ण भी एक तत्वदर्शी महापुरुष थे, परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उसमें स्थिति वाले तत्वदर्शी कहलाते हैं। सत और असत क्या है इस पर कहते हैं, नाश रहित तो वह है जिसमें यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, किंतु इस अविनाशी अमृत का नाम क्या है, वह है कौन? अविनाशी, अप्रमेय, नित्य स्वरूप आत्मा के ये सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए भरतवंशी अर्जुन तो युद्ध कर, आत्मा ही अमृत है, आत्मा ही अविनाशी है जिसका तीनों काल में नाश नहीं होता, आत्मा ही सत है, शरीर नाशवान है, यही असत है जिसको तीनों काल में अस्तित्व नहीं है। शरीर नाशवान इसलिए तो युद्ध कर, इस आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि अर्जुन केवल कौरवों को मारे, पांडव पक्ष में भी तो शरीर ही खड़े थे, क्या पांडवों के शरीर अविनाशी थे? यदि शरीर नाशवान है तो श्री कृष्ण किसकी रक्षा में खड़े थे? क्या अर्जुन कोई शरीरधारी था? शरीर तो असत है जिसका अस्तित्व तो नहीं है, जिसे रोका नहीं जा सकता, क्या श्री कृष्ण उस शरीर की रक्षा में खड़े हैं? यदि ऐसा है तो वे भी अविवेकी और मूढ़ हैं, क्योंकि आगे श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो केवल शरीर के लिए ही पछता है, श्रम करता है, वह अविवेकी और मूढ़ बुद्धि है, वह पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अंततः अर्जुन कौन था? वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है, अनुरागी के लिए इष्ट सदैव रथी बनकर साथ में रहते हैं, सखा की भांति उसका मार्गदर्शन करते हैं। आप शरीर नहीं है, शरीर तो आवरण है, रहने का मकान है, उसमें रहने वाला अनुराग पूरित आत्मा है। भौतिक युद्ध मारने काटने से शरीरों का अंत नहीं होता, यह शरीर छूटेगा तो आत्मा द्वारा दूसरा शरीर धारण कर लेगा। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण कह चुके हैं कि जिस प्रकार बाल्यकाल से युवा या वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार देहांतर की प्राप्ति होती है, शरीर कटेंगे तो जीवात्मा नया वस्त्र बदल लेगा। शरीर संस्कारों के आश्रित है और संस्कार मन पर आधारित है, मन का सर्वथा निरोध होना, अचल स्थिर ठहरना और अंतिम संस्कार का विलय एक ही प्रक्रिया है। संस्कारों की सतह पर टूट जाना ही शरीरों का अंत है, इसे तोड़ने के लिए आपको आराधना करनी होगी, जिसे श्री कृष्ण ने कर्म या निष्काम कर्मयोग की संज्ञा दी है। श्री कृष्ण ने स्थान स्थान पर अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दी, किंतु एक श्लोक ऐसा नहीं है जो भौतिक युद्ध या मार काट का समर्थन करता हो। यह युद्ध सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियों का है, अंतर्देश में है। जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है तथा जो इस आत्मा को मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो मारता है और न मारा ही जाता है। पुनः वो इसी पर बल देते हैं, यह आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है न मरता है, क्योंकि यह वस्त्र ही तो बदलता है, न यह आत्मा होकर अन्य कुछ होने वाला है, क्योंकि यह जन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता, आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही पुरातन है, आत्मा ही शाश्वत है और आत्मा ही सनातन है। सनातन धर्म के अनुयायी हैं आप, सनातन कौन है? आत्मा। आप आत्मा के अनुयायी हैं, आत्मा परमात्मा और ब्रह्म के एक दूसरे के पर्याय हैं। आप कौन है? शाश्वत धर्म उपासक। शाश्वत कौन है? आत्मा, अर्थात हम और आप आत्मा के उपासक हैं। यदि आप आत्मिक पथ को नहीं जानते तो आप शाश्वत सनातन नाम की कोई वस्तु नहीं है, उसके लिए आप आहें भरते हैं तो प्रत्याशी अवश्य हैं, किंतु सनातन धर्म ही नहीं है, सनातन धर्म के नाम पर किसी कुरीति के शिकार है। देश विदेश में मानव मात्र में आत्मा एक ही जैसा है, इसलिए विश्व में कहीं भी कोई आत्मा की स्थिति दिलाने वाली क्रिया जानता है और उस पर चलने के लिए प्रयत्नशील है तो वह सनातन धर्मी है, चाहे वह अपने को ईसाई, मुसलमान, यहूदी या कुछ भी क्यों न कह ले। ये 20वां श्लोक तक गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने वाचन किया, शेष अगले भाग में मैं आपको सुनाऊंगा।